हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीडे मील्स विद शाई। अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुँचे। आज हम बनाने वाले हैं चाप मसाला फ्राई, और ये बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो चलिए देखते हैं कि चाप मसाला फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम इसे कैसे बनाएंगे। तो चलें, चाप मसाला फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए है चाप। तो यहाँ मैंने 1 किलो चाप ली है, ये चाप है 1 किलो, तो इसे हम रेडी कर लेंगे। तो चाप रेडी करने के लिए हमें इसे बॉईल करना है थोड़े पानी में, ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए है। थोड़े से पानी में इसे बॉईल करके हमें इसे समझिए 1 कसर तक रह जाए गलने में, उतना हमें इसे गला देना है। तो इसे उबालने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो ये है अदरक लहसुन और अखे गरम मसाले, नमक और हल्दी। बस इतने मसाले डाल के हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है और समझिए 90-95% तक हमें इसे गला लेना है, और फिर उसके बाद में हम इसे तैयार करेंगे। अब ये बॉईल हो गया है तो हम ज़रा इसे खोल के देखते हैं। बस हमें ज़्यादा इसे नहीं गलाना है, बस थोड़ा ही गलाना है। तो ये हो गया है, अब हम इसे मसाले में बनाना शुरू करते हैं। ये इतना हो गया है कि अब हम जब इसे मसाले में बनाएंगे, रेडी करेंगे, तो ये अच्छे से गल जाएगा और इसका चाप का शेप भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि चाप बनाने में चाप का गोश्त जो है वो अलग हो जाता है, या बहुत वो गल जाता है, या उसका शेप ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से करने से हमारे चाप का शेप जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो गया है तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसे मैंने पीस लिया है, रफली पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसा है। ये डाल के इसे हमें इसका कच्चापन प्याज का ख़त्म करना है। अब जब ये प्याज अच्छे से भुन गई है, इसका कच्चापन कम हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे कुछ थोड़े मसाले, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त अच्छे खासे मसाले डाले हैं इसमें। तो हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले और ये लाल मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं आधा चमचा डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। अच्छा, मैंने बॉईल किया है 1 किलो चाप, लेकिन मैं पूरे 1 किलो चाप का मसाला फ्राई नहीं बना रही हूँ। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर 1/2 किलो के करीब का बना रही हूँ, तो उस हिसाब से ये मसाला फ्राई का मसाले मैं बता रही हूँ। और हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी हमने हल्दी इसमें डाली है। अच्छा, नमक हम इसमें नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला है और जो बॉईल किया हुआ पानी है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। अगर से हमें कम लगेगा नमक तो फिर हम नमक डालेंगे। अब ये मसाला खूब अच्छा भुन गया है तो इसमें हम डालेंगे ये टमाटर। ये टमाटर भी ऐसे ही
बस पिसे हुए हैं, रफली मैंने पीस लिया है, बहुत बारीक इसे भी नहीं पीसा है। तो ये टमाटर जो है, ये दो टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। अब जब टमाटर का पानी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम डालेंगे दही। मैंने 3 चम्मच ये वाले दही के डाले हैं। अब यह हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें डालेंगे चाप। तो यहाँ मैंने 1/2 किलो के करीब चाप ली है, वो इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ी देर हम मसाले में भूनेंगे और उसके बाद में जिस पानी में हमने ये चाप को बॉईल किया था वो पानी डाल के थोड़ा सा इसे और पकाएंगे ताकि जो कसर बाकी है गलने में वो गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये चाप जिसमें उबाला था पानी, यखनी हो गई है, तो ये हम इसमें 1 कप डालेंगे और इसे मिक्स करके ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे स्लो और इसे 1-10 मिनट हम दम देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ इतनी कसूरी मेथी मैंने ली है, इसे हाथ से मल के हम डाल देंगे। और इसे बहुत तेज़ तेज़ हमें नहीं चलाना है वरना चाप जो है वो टूट जाएगी। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे 1-5 मिनट दम देंगे और हमारा चाप मसाला फ्राई जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी हमारा चाप मसाला फ्राई रेडी है। अच्छा, जब आप यखनी डालें तो उसके बाद में नमक आप टेस्ट कर लीजिए, अगर से आपको फीका लग रहा है नमक तो आप थोड़ा सा नमक और डाल लीजिए। मुझे नमक फीका नहीं लगा तो मैंने नहीं डाला है। अगर से आपको फीका लग रहा है नमक क्योंकि आपने यखनी डाला है और जब चाप आपने बॉईल की तो भी आपने नमक डाला था, तो इसलिए नमक डालते वक्त ध्यान रखना है कि नमक तेज़ नहीं हो जाए। तो जब आप यखनी इसमें डालेंगे तब आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर से आपको फीका लग रहा है तो आप नमक और ऐड कर लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारी चाप मसाला फ्राई रेडी है, इसे आप गार्निश करिए हरे धनिए के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एवरीडे मील्स विद शाही को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Thanks for watching.